नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार सरकार अब टीईटी की परीक्षा नहीं लेगी। दरअसल ये फैसला सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से ही लिया गया है कि अब टीईटी की परीक्षा बिहार में नहीं ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षकों का नियोजन किस तरह से होगा, कैसे उनकी भर्ती होगी और किस आधार पर उनका चयन नौकरी के लिए होगा। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है। बिहार सरकार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी परीक्षा नहीं लेगी, इस पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने खुद पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले के बारे में बताया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट आयोजित होती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अलग से कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। यह प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सचिव को लिखे पत्र में कहा है। यह पत्र ट्विटर पर रवि प्रकाश ने पोस्ट किया है। इस पत्र के बाद साफ हो गया है कि अब बिहार सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी नहीं लेगी। इस पत्र के अनुसार बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के आयोजन पर सरकार ने रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने खुद आधिकारिक पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले से अवगत कराया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे रखी है। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने पर शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इसके बाद विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से इस बारे में जानकारी भी मांगी थी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दे दी है और आप ये पत्र अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जहाँ पर पत्र जो है रवि प्रकाश जो कि प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है उनके द्वारा प्रेषित किया गया है। और ये जो लेटर है उसमें ये लिखा गया है कि अब टीईटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी बिहार में। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखे पत्र में कहा है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 26 अप्रैल 2022 को बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय प्रारंभिक सेवा प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अहर्ता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित टीईटी में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से हर साल सीटेट को आयोजित किया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से टीईटी आयोजित करने की अब जरूरत महसूस नहीं हो रही है। केंद्र की ओर से साल में दो बार सीटेट का आयोजन किया जाता है। बिहार के ऐसे व्यक्ति जो कि शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। अब आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा टीईटी से भी ज्यादा टफ होती है। तो आपने जाना कि अब बिहार में यानी कि बिहार सरकार के द्वारा टीईटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब जो भी भर्तियां होंगी वो सीटेट के अंकों के आधार पर ही होंगी, यानी कि केंद्र के द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है उसमें ही अभ्यर्थियों को शामिल होना होगा। उसी के अंकों के आधार पर ये तय होगा कि आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है उन लोगों के लिए जो भविष्य में शिक्षक बनने की सोच रहे हैं या फिर जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको सीटेट की तैयारी करनी होगी और कहा जाता है कि टीईटी से ज्यादा टफ होता है सीटेट का पेपर। आप तमाम जानकारियों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।